नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कुकिंग विद शारदा में। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे कर्ड राइस, जिसे हम बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम बनाना कर्ड राइस। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बड़ी कटोरी पके हुए चावल लिए है। अब हम इसमें डालेंगे ठंडा दूध। इससे क्या होगा, हमारे कर्ड राइस का बहुत ही अच्छा सा सफ़ेद कलर आएगा और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। अब हम डालेंगे इसमें दही, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें दही डालेंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब भी आप कर्ड राइस बनाएं तो ठंडे दही का ही इस्तेमाल कीजिए, इससे बहुत ही अच्छी कर्ड राइस बनती है। तो यहाँ पे दही अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम उसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, मिक्स कर देंगे। तो ये मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। एक पैन ले लेंगे, उसमें मैंने एक बड़ी चम्मच तेल लिया है, गरम कर दिया है। अब हम उसमें डालेंगे राई को, स्प्लटर होने देंगे। डालेंगे जीरा, उसे भी स्प्लटर होने देंगे। अब हम उसमें डालेंगे थोड़ी सी उड़द दाल, साथ में जाएगी थोड़ी सी चना दाल। मिक्स कर देंगे इसे और हम इसे हल्का सा गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। तो दाल यहाँ पे अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे दो सूखी हुई लाल मिर्च को, मिक्स कर देंगे इसे भी। अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता और काजू के टुकड़ों को, मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से और हल्का गोल्डन कलर आने तक इसे हम भून लेंगे। तो यहाँ पे तड़का हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी कर्ड राइस यहाँ पे तैयार है, अब हम उसमें ये तड़का डाल देंगे, मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से। तो यहाँ पे हमारी कर्ड राइस बनकर बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए कुकिंग विद शारदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।